क्या लगता है कि आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों का गठबंधन होना चाहिए, तब आप इस देश के शासक बन पाएंगे? क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, दलित समाज के लोग जो है वो अपने हितों से बहुत महरूम है, उनको नहीं पता है। वो ठीक है, उनके पास डिग्रियां हो सकती हैं, उनके पास स्टेटस भी हो सकता है, लेकिन उनको अपने समाज की जरूरतों के बारे में न कोई इल्म है, न वो अपनी जिम्मेदारी जानने की समझते हैं। जब बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पे इतनी मजबूत थी, तो क्या बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी? जी। तभी बहुजन समाज पार्टी को औरों का साथ लेना पड़ा सत्ता तक पहुंचने के लिए। और जो आजाद समाज पार्टी है, उसका वोट बैंक है, वो किसके वोट बैंक में सेधमारी कर रही है? क्या वो बीजेपी के वोट में सेधमारी कर रही है? क्या वो कांग्रेस के वोट बैंक में सेधमारी कर रही है? क्या वो समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेधमारी कर रही है? अगर वो सेधमारी कर रही है तो बीएसपी के वोट बैंक में। ऐसे में अगर आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर भी ले, तो ये राजनीति में सफलता कहां से लेके आएंगे? इनके साथ तीसरा कौन सा तबका जो है जुड़ेगा, जो इनको सफलता दिलाने के लिए जो है जिम्मेदार होगा? तो ये केवल भावना के आधार पर सोचने की जो बात है, और भावना से राजनीति नहीं चलती। राजनीति हमेशा तथ्य और तर्कों के आधार पर चलती है। इस देश में हम अगर देखिए, बहुजन समाज के लोग अगर अपने महापुरुषों के विचार को नहीं मानेंगे, तभी आपको पता है कि मान्यवर साहब कांसीराम ने इस समाज के चरित्र को महसूस करते हुए, खास करके जो काबिल लोग हैं उनके चरित्र को जो उन्होंने महसूस किया, उसके ऊपर एक किताब लिखी जिसका नाम है चमचा युग। और चमचा युग में उन्होंने चमचों की अपने समाज में, खास करके बहुजन समाज में, हर जातीय चमचे जो सामाजिक चमचे हैं, उनके कैसे उनके चरित्र को जो है लोगों के सामने पेश किया जी। तो अब यहां सोचने की बात है कि हम कैसे एक अंबेडकरवादी चमचा बनाते हैं, हम कैसे चमचों के चमचे बन जाते हैं जी। तो ये अगर हम चमचों के चमचे बनते हैं, अगर हम अंबेडकरवादी चमचे बनते हैं, तो हम कभी भी बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को कभी भी हम आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर आपको बाबा साहब अंबेडकर के मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, उनके मिशन को पूरा करना है, तो आपको चमचागिरी छोड़नी पड़ेगी। और चंद्रशेखर आजाद क्या, इस देश में सत्ता किसी की भी हो, 131 सांसद जो है वो हमेशा रिजर्व सीटों से चुन के जाएंगे। आज तक क्या एक भी सांसद की कोई हैसियत हुई कि वो समाज के लिए कोई बात उठाए, समाज के हित की कोई बात करे? आज तक उनकी हैसियत नहीं हुई। तो आप केवल बायोलॉजिकल आधार पर अगर ये देखेंगे कि बहुजन समाज का कोई सांसद है वो ये कर लेगा, ऐसा नहीं है। जब तक वो महापुरुषों के विचार में जो ट्रेंड नहीं होगा, जो उस विचारों पे चला नहीं होगा, वो कभी भी बहुजन आंदोलन, खास करके वो बाबा साहब अंबेडकर का नाम तो ले सकता है, लेकिन उनके मिशन को एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा सकता। और आपको पता है कि आरपीआई इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आरपीआई इसलिए उदाहरण है क्योंकि आरपीआई को चलाने वाले लोग बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में तैयार हुए थे, लेकिन वो आरपीआई का आंदोलन, आरपीआई के माध्यम से बाबा साहब का मिशन जो है आगे नहीं बढ़ा पाए। और उसको अगर किसी ने बढ़ाया तो मान्यवर कांसीराम ने बढ़ाया, और मान्यवर कांसीराम ने इंडिपेंडेंट होके बढ़ाया। वो किसी दूसरे के ऊपर क्या है, विचारों के लिए, संसाधनों के लिए आश्रित नहीं थे जी। तो ये हमारे सामने मिसाल है। अगर जिनको भी बाबा साहब अंबेडकर के मिशन से दिलचस्पी है, वो लोग जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था यूनाइट अंडर वन लीडर। इस देश में आपको पता है इलेक्टोरल बॉन्ड जो पूंजीपतियों ने किन किन पार्टियों को दिया। इस देश के पूंजीपति जो धन्ना सेठ हैं, वो इस देश की सारी पार्टियों को चलाते हैं बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के। अगर बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी, वो किनके बलबूते बनी, किनके संसाधनों के बलबूते बनी? वो बहुजन समाज के बलबूते बनी, बहुजन समाज के संसाधनों के बलबूते बनी। और अगर ऐसी पार्टी के साथ अगर आप अनकंडीशनली
और इमोशनली नहीं जुड़ते हैं, तो इसका मतलब है कि आप भी, जैसे मैं एक बार बार लोगों के सामने एक स्टोरी कहानी रखता हूं कि आजकल आपको पता है कि राम मंदिर का मुद्दा सबसे ज्यादा प्रचलित है और राम के पीछे एक कहानी है कि राम जो है उन्होंने रावण को जो है दंड दिया और रावण के बारे में लोग ये कहते हैं कि रावण जिस राज्य का वो राजा था वो राज्य जो है बहुत प्रॉस्परस था, सोने का लंका था। अगर कोई राज्य इतना प्रॉस्परस होता है तो उसकी सामाजिक नीति, उसकी आर्थिक नीति, उसकी विदेश नीति, उसकी जितनी भी नीतियां हैं वो अच्छे आले दर्जे की होंगी। जितना इस स्टेटस के राजा का जो भाई था, सगा भाई जिसके साथ खून का रिश्ता है, वो अपने भाई के विचारों से सहमत ना होके वो राम के विचारों से सहमत हुआ, उसका क्या असर हुआ कि वो सोने की लंका बर्बाद तो हुई, उसके साथ साथ जो सगा भाई है वो सगा भाई भी उसकी हत्या हुई जी। तो कहने का मतलब है कि बहुजन समाज के लोग जो अपने को बायोलॉजिकली आधार पे ये कहते हैं कि वो बाबा साहब के वारिस हैं, वो लोग विभीषण का काम करते हैं। अगर उनके अंदर वैचारिकी नहीं है और वो बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं है, क्यों बहुजन समाज पार्टी के साथ ही आना क्यों जरूरी है? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने नेशनल राष्ट्रीय स्तर के ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी और आज राष्ट्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन दलित समाज के पास, बहुजन समाज के पास है, तो उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। अगर ऐसे संगठन को, अगर हम बाबा साहब का की बात मानते हैं और ऐसे संगठन का सहयोग नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम बहुजन समाज के बायोलॉजिकल आधार पे मेंबर तो हो सकते हैं लेकिन हम बहुजन आंदोलन के मेंबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारा चरित्र विभीषण के जैसा है और जब चरित्र विभीषण के जैसा होगा तो नुकसान केवल और केवल बहुजन आंदोलन और बहुजन समाज का होगा। तो इस तरह के लोग जो ऐसा मानते हैं कि केवल चुनावी जीत से ये आंदोलन चलेगा, तो ऐसा नहीं है। चुनावी जीत हासिल करने वाले दलित समाज से हमेशा 131 सांसद पार्लियामेंट में बैठते हैं, लेकिन बहुजन समाज का दुख दर्द कोई भी न सुनने वाला है और न आज तक सुना है और न आगे उम्मीद है कि कोई सुने। अगर बहुजन समाज के जो हालत में कोई तब्दीली आई है तो वो बहुजन समाज पार्टी के कारण आई। बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक जो सत्ता है उसने इस देश के लोगों की हालत में तब्दीली की है, सोच में बदलाव किया है। तो जब तक हम बहुजन समाज पार्टी के लिए अपना तन धन नहीं देंगे तब तक इस देश में बाबा साहब अंबेडकर का आंदोलन आगे बढ़ाने की कितने भी संगठन बना ले, हम उस बाबा साहब के आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा सकते, कमजोर जरूर करेंगे जी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। आप किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीरदास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञान दीत छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्री बाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामा स्वामी, स्वामी अछूतानंद, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई,
मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।